AAP leader Nitin Tyagi, during a press conference in Delhi, alleged that the MCT had totally collapsed functionally as well as financially, and that it was trying to project a false image that work was being done by renaming earlier project. MCT, जो कि आज की तारीख में कहीं ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दिल्ली, दिल्ली की जनता, सब लोग जानते हैं कि फंक्शनली और फाइनेंशियली टोटली कोलैप्स कर चुकी है और आज की तारीख में सिर्फ अपनी छवि को बचाने की कोशिश किसी तरीके से कर रही है, एक झूठी छवि बनाने की कोशिश कर रही है कि काम हो रहा है एमसीडी में। आज तक या पिछले साल का कहें तो तकरीबन 70 प्रोजेक्ट पूरे साल भर में थे जो कि रीनेम किए गए थे या नेम किए गए थे, दोबारा से उनका नाम रखा गया था या उनको नाम दिए गए थे। इस वक्त आज की तारीख में दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट वर्क एमसीडी द्वारा नहीं किया जा रहा, पर एक साल के अंदर 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट रीनेम करने की एक कोशिश है। वहां पे शिलाएं लगाई जाएंगी, पत्थर लगाए जाएंगे और नाम किया जाएगा कि अथक प्रयास से इस एमसीडी के काउंसलर ने ये काम किया, उस एमसीडी के काउंसलर ने ये काम किया। जो पार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उन पार्कों को फिर से नाम किया जाएगा, जो रास्ते ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे उनको फिर से नाम दिया जाएगा और इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने की प्लानिंग एमसीडी की चल रही है, एमसीडी कर रहा है। He demanded that the BJP leadership should take note of misuse of fund and answer what was the motive behind it. ये एक financial corruption है, एक misuse of fund है, इसको audit करना चाहिए। इस तरीके के corruption के खिलाफ FIR होनी चाहिए और BJP के श्रेष्ठ नेतृत्व को और पूरी की पूरी MCD को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि इस तरीके के मिसयूज ऑफ फंड क्यों किया जा रहा है, इससे क्या हासिल होने वाला है, जनता का क्या भला होने वाला है, ये 400 नाम दोबारा से देखें, कोरी राजनीति के अलावा ये क्या है। INS रिपोर्ट।